ये तबीयत कैसी है अभी? भाई खुशखबरी है दोस्तों। हाँ थोड़ी बार लटा दो, बैठा नहीं जा रहा। लटा हुआ आपको जी? हाँ जी, अम्बाड़ा जा रहे थे, सरकारी स्कूल था अम्बाड़ा, ऐसी जगह था सांप की दीवार के सहारे ऊपर कड़ी में लगा थे, मंडेर पाड़ा थे। तो के मामले में तो आपका एक्सपर्ट है, सांप का तो सबका अपना पता, सरडक का डर था हमने ज़्यादा तो, लेकिन काम करे, नहीं तो उम्मीद नहीं थी भाई इतनी ऊंचे तक गिर का मैं बचूँ। भाई फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जैसे कि आपको पता है कि भाई आज से लगभग 2 दिन पहले है जो स्नेक मैन हरियाणा सतीश सफराना के साथ है, जो अम्बाला में जो हादसा हुआ था, और भाई बहुत सारे जो लोग हैं ये सोच रहे हो कि भी उनको है सांप ने काटा है या उनको और कुछ दिक्कत हुई है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी भी मैं अम्बाला में है सांप पकड़ने के लिए है, जो सतीश फफराना है वहाँ पर गए हुए थे, और जो छत से है वो नीचे पड़ जाते हैं और उनको बहुत सारी चोटें जो आई हैं, और उनसे हम मिलवाना चाहेंगे अंदर चल करके। जो आप देख सकते हैं इस जो सफीदों का जो अनुज जो अस्पताल है यहाँ पर भी फिलहाल इस अस्पताल में एडमिट है, जो आपको मिलवाना चाहेंगे। अभी आप देख सकते हैं जो स्नेक मैन हरियाणा और सतीश फफराना हमारे साथ है, जुड़ चुके हैं, और भी आप सभी लोगों की दुआ की ज़रूरत है, और जो सतीश जी है भी बहुत ही जल्द स्वस्थ हो और आपके बीच में फिर से हाजिर हो। तो फिर देख सकते हैं वो जुड़ चुके हैं। तो सतीश जी, जो ये आपके साथ जो हादसा वो कैसे हुआ? हम जी अम्बाड़ा जा रहे थे, सरकारी स्कूल था अम्बाड़ा में, वहाँ दो सांप पकड़ लिए थे हमने, छत में थे वो सांप, जी वो दो नीचे से पकड़े थे हमने, एक ऊपर, एक ऐसी जगह था सांप की दीवार के सहारे ऊपर कड़ी में भाई छत पर चढ़ना पड़ा, और वो छत पहले कुछ टूट रही थी, कमजोर थी, तो ऊपर तो छत का जब तीसरा सांप पकड़ा थे मंडेर पाड़ा थे, तो वो पीछे तो आवाज आई कड़ी टूटने की, मैंने पैर आगे सरकाया, बैलेंस नहीं रो क्या, हाथ भी अड़ाए मंडेर पर सिर के बल और पीठ के बल नीचे आ गिरे, बस जब गर्दन लगी जब तो याद है, कमर लगी मेरा याद नहीं। याद नहीं? अच्छा अब आपकी बताइए तबीयत कैसी है? भाई खुशखबरी है दोस्तों, अच्छी खबर है कि मेरे हाथ ठीक काम कर रहे, मेरे ठीक काम कर रहे, पैर भी ठीक है, जी। और भाई रीढ़ की हड्डी ठीक है भाई। देखो बाकी जो आप वीडियो देख रहे हैं तो भाई आपसे भी निवेदन है भाई, जो सतीश के लिए आप दुआ करें, और बहुत जल्दी जल्दी है भाई वो स्वस्थ हो और ठीक हो और आपके बीच में है पहले की तरह, वो आपके बीच में हो। तो बहुत सारे लोग हैं ये भी सोच रहे होंगे कि जो सतीश को है अभी सांप ने डस लिया होगा। ना जी, ना ना ना, सांप सांप के मामले में तो आपका एक्सपर्ट है, सांप का तो सबका अपना पता भाई, न्यूरोटॉक्सिक कौन सा है, इमोटॉक्सिक कौन सा है, वाइपर का जहर कैसे काम करेगा, कोबरा की क्या दवाई है, करेंट की, सांप तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता भाई। डर था भाई कल ना कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कि स्पीड में जावा गाड़ी लेकर किसी के घर में बढ़ रहा है, तो सरडक का डर था हमने ज़्यादा तो, लेकिन यूं मंडेर पता 15 फुट ऊंची दीवार थी भाई, वहीं टा हमने पहाड़ी थी जो सियापा हम पड़े जी। और भाई ये बस बुरी खबर ही आके दो पसली टूट रही है कमर की पीछे की साइड था, और थोड़ी सांस में दिक्कत है, उठा नहीं जा रहा, और बस बाकी अच्छी खबर है MRI करा लिया, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सही है, हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है जी। और भाई बाकी सांप ने नहीं काटा है, मंडेर पता गिर गए हैं, जब हम खुद वीडियो बनाया करा थे सांप पकड़ने की, सब ना पता है, वो लड़का भी वीडियो बनाने लग रहा था, कैमरामैन वीडियो बनावे था, जब मैं नीचे मंडेर पता गया एकदम बैलेंस बिगड़या, उसका भी एकदम हाथ पैर फूल गया, भी बोल रहा उठाइयो उठाइयो उठाइयो, बस मैं नहीं याद रहा कुछ भी, मतलब वो वीडियो में देखा है जो देखा है। तो क्या फिर सतीश है स्वस्थ होने के बाद, ठीक होने के बाद पहले की तरह लोग की सेवा कर पाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, वैसे ही आप पहले की तरह सांप पकड़ेंगे? 250 आदमी थे मौजूद, और अभी जब मैं गिरा ना जी, सरपंच भी था, स्टाफ भी था, प्रिंसिपल भी था, गांव के भी बहुत आदमी थे जी, बच्चों की छुट्टी कर दी थी उन्होंने पेपर देकर, तो बच्चे तो जा लिए थे सारे जी। तो भाई बोर्ड का फिर आवेंगे भाइया के बीच में, बस भाइया के आशीर्वाद काम करे और भैया की दुआ काम करी, प्यार काम करे, नहीं तो उम्मीद नहीं थी भाई इतनी ऊंचे तक गिर का मैं बचूंगा, क्योंकि सिर के बल गिरना और इतनी ऊंचे तक गिरना, लेकिन मैं पूरे उस आवास में हूँ भाई, टाइम तो लगेगा, डॉक्टर ने 1 महीने की कही है, 1 महीना बेड रेस्ट। ओके, तो भी आप देख सकते हैं जो फिलहाल जो सतीश जी से हमने आपको मिलवाया, और जो सफीदों का भी जो अनुज अस्पताल है, अनुज अस्पताल में है भी जो सतीश
फलाना का है इलाज चल रहा है, और उन्होंने जो उनके साथ जो हुआ वो सब बातें है आपको बताई। और भी सभी से मेरी अपील रही कि जो स्नेक मैन हरियाणा सतीश फलाना उसके लिए है आप दुआ करें, और वे बहुत जल्द से जल्द है वो ठीक हो। धन्यवाद।